हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल SNP टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज वीडियो हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। दोस्तों ये योजना क्या है और इस योजना का हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों, और इसमें हम 10,000 तक का लोन कैसे ले सकते हैं बिना किसी गारंटी के। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल में आपको सर्च करना होगा दोस्तों PM स्वनिधि योजना, ये आपको टाइप कर लेना है। जो फर्स्ट पे जो वेबसाइट आ रहा है उसी पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, तो ये स्वनिधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा दोस्तों। और इस योजना में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इसके लिए आपको FQ पे आना है और यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन आता है, तो आप जो भी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं हिंदी चूज करता हूँ तो यहाँ पर एक PDF ओपन हो जाएगी दोस्तों, जिसमें इसकी योजना के बारे में विस्तार से बताया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर ये स्कीम क्या है और यहाँ पर इसका बताया गया है दोस्तों, एक बार जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर देख लीजिए। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं जो सड़क पर जो ठेला लगाकर अपना जो सामान बेचते हैं उनके लिए, जो को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर काम करने लायक पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। यानी जो सड़कों पर फेरी लगा कर साग सब्जी फल फ्रूट जो भी ब्रेड पकौड़ा जो भी बेचा करते हैं उनको ये इस योजना के तहत उन्हें 10,000 तक का लोन दिया जाएगा दोस्तों, ताकि वो अपना व्यापार शुरू दोबारा से शुरू कर सके दोस्तों। और इसका उद्देश्य देख लीजिए यहाँ पर, और इसका यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन पात्र होंगे। तो यहाँ पर स्कीम के लिए लक्षित लाभार्थी कौन है, तो यहाँ पर शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल है, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वंडित कर रहे थे। यानी 24 मार्च 2020 से पहले जो भी सड़क पर विक्रेता कर रहे थे, यानी जो सड़कों पर ठेला लगाकर सामान बेचा करते हैं उनके लिए ये योजना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पथ विक्रेता कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोजगार मर्रा के सामान या सेवाएं चीजें खास सामग्री अथवा किसी अस्थायी रूप से बने हुए स्टॉल से या फिर गली गली घूमकर फुटपाथ या रास्ते पर अपनी सेवाएं प्रदान करता हो, इनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं में सब्जियां फल तैयार खाद्य सामग्री चाहे पकोड़े ब्रेड अंडे कपड़े वस्त्र दस्तकारी उत्पादन पुस्तकें लेखन सामग्री इत्यादि शामिल है। उनकी सेवाओं में ना की दुकान मोची एवं पान की दुकान लैंडिंग सेवा इत्यादि शामिल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए इसका कार्यकाल का क्या है, कितना दिन तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो ये स्कीम का कार्यकाल 2022 तक है। 2022 तक इस स्कीम में फॉर्म लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए इसके यहाँ पर भी लाभार्थी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस फॉर्म से भरने के लिए, तो उनका सभी का यहाँ पर दिए गए प्रश्न उनका हल भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इसमें से आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो वीडियो के जरिए देख सकते हैं। वीडियो के लिए आप यहाँ पर नॉलेज सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको वीडियो क्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर इस स्कीम के रिलेटेड जितने भी वीडियो यहाँ पर डाले गए हैं, तो आप इनके को एक बार वीडियो देख लेंगे दोस्तों, आपको विस्तार से समझ में आ जाएगी योजना क्या है और कैसे क्या काम करना है आपको। तो इसके बारे में तो इस वीडियो को देख लीजिए एक बार करके, आपको समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो देख कर, तो इसके बाद आपको होम पेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ऑनलाइन करने के लिए। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जैसे कि मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर आपके समस्या विंडो ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्रॉस वॉक पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस वॉक चूज करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये समझ में नहीं आता है इमेज, तो यहाँ पर रेफरेंस बटन क्लिक कीजिए तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछे ट्रैफिक लाइट कौन सा है, तो यहाँ पर मैं ट्रैफिक लाइट ये चूज कर लेता हूँ ट्रैफिक लाइट, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अगर क्रॉस वॉक पूछ रहा है, तो फिर से यहाँ पर कुछ इमेज चूज कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर राइट का निशान आ गया है। उसके बाद में रिक्वेस्ट ऑटोपी वाले बटन पे हमको क्लिक करना होगा दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। जैसे प्रोसेस में जाएगा अब यहाँ पर एंटर ऑटोपी, तो यहाँ पर ऑटोपी मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पर ऑटोपी को एंटर कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ऑटोपी को एंटर कर दिया, उसके बाद में वेरीफाई ऑटोपी पे क्लिक करेंगे। अगर आपके मोबाइल में ऑटोपी नहीं आता तो रिसेंट ऑटोपी पे क्लिक करके दोबारा ऑटोपी ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेरीफाई ऑटोपी पे क्लिक कर देते हैं ऑटोपी डाल के,
तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्ट्रीम वेंडर्स यानी यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडी यानी नगर पालिका के द्वारा कोई सर्टिफिकेट या कोई आईडी कार्ड जारी किया गया है, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास से आपके जो सर्वे हुआ था 24 मार्च 2020 से पहले, उस सर्वे में आपका नाम है बट आपके पास कोई लेटर है, कोई आईडी कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपके पास ना ही सर्वे में नाम है ना ही आपके पास कोई आईडी कार्ड है, तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। या फिर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं या वहाँ पर आपका पेड़ लगा के सामान बेचते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में और वहाँ पर आपके पास कोई भी लेटर नहीं है, तो यहाँ पर आप चौथे नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ तीसरे नंबर पे, तो इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आई हैव बीन इश्यूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पर लोकल बॉडी अर्बन यहाँ पर जो भी होता है नगर पालिका तो कोई लेटर जारी किया गया है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लेटर को अपलोड करना होगा। यहाँ पर लेटर का अपलोड करने ऑप्शन दिए गए हैं। अगर लेटर नहीं है तो आई हैव नॉट बीन इश्यूड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप मेंबर हो ऑफ वेंडर या हावकर इसके, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, निचले बॉक्स को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका सर्विस सूची में नेम है तो यहाँ पर आपको डू नेट है सर्वर ऐसा नंबर है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको जो सर्वे हुआ था उसका नंबर जान सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप स्टेट चूज कर लीजिए, उसके बाद में नेम डाल दीजिए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए। तो इस स्टेट में इस रैम से जो भी मेरे नेम मैच का आएगा तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 1031 लिस्ट आ रहा है, इतना कैंडिडेट है इसमें। तो यहाँ पर मैं ऐसा नंबर है, यहाँ पर कॉफ़ी कर लेता हूँ, इसको कॉफ़ी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और सर्च करता हूँ, तो उसका डिटेल यहाँ पर आ गया है दोस्तों, देख लीजिए। और फिर यहाँ पर कन्फर्म क्लिक करना होगा कन्फर्म बटन पर, फिर आपको नेक्स्ट करना होगा दोस्तों। जैसे कि मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास लेटर नहीं है तो यहाँ पर आपको वापस आ जाना चाहिए और यहाँ पर इस तीसरे नंबर कॉलम पर टिक कीजिए और यहाँ पर नॉट हैव पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है, तो मैं एंटर कर देता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी मोबाइल रजिस्टर होगा उस पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, वो ओटीपी से आपको वेरीफाई कराना होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर दिया, उसके बाद में वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में ये चला जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है आपको, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डिटेल भर जाएगा दोस्तों। जो खाली आता है उसे आपको भरना है, जैसे कि यहाँ पर फादर्स नेम या यहाँ पर पते का हस्बैंड का नेम देना होता है, तो यहाँ पर डाल देते हैं फादर्स नेम। जैसे कि मैं फादर्स नेम डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मेंटल स्टेटस चूज कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी चूज कर लीजिए, उसके बाद में नेटिविटी चूज कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर विकलांग है तो यहाँ पर यस पर टिक कर दीजिए, वन नो पर टिक रहने दीजिए। अगर मिनोरिटी कम्युनिटी से है, अल्पसंख्यक समुदाय से है, तो यहाँ पर यस कर दीजिए, वन नो पर टिक करने रहने दीजिए। उसके बाद में KYC डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आधार कार्ड ऑलरेडी है, इसके अलावा वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर राशन कार्ड और कुछ अदर गवर्नमेंट अप्रूवल कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंटर दे सकते हैं। आसानी होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, तो आप दे दीजिएगा एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद में यहाँ पर आप फैमिली डिटेल देने के लिए यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर टिक कर देने के बाद में आपको यहाँ पर फैमिली का जो मेंबर होता है कितना सदस्य है वो चूज कर लीजिए। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको जो मेंबर सदस्य होते हैं उनका यहाँ पर विवरण दे देना है, यहाँ पर नेम देना है, यहाँ पर रिलेशन चूज करना है, यहाँ पर उनका एज डाल देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस जो करंट एड्रेस है वर्तमान एड्रेस है दोनों सेम है, तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर टाउन सिटी चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं भी डाल देता हूँ।
और उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड एंटर कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर नेम वेंडर्स एक्टिविटी, तो यहाँ पर नेम ऑफ एक्टिविटी, तो यहाँ पर जो फेरी वाला है जो सामान बेचता है क्या काम करता है, जैसे किचन का काम सामान हो गया, जैसे वेजिटेबल बेचता है, सब्जियाँ बेचता है, फ्रूट बेचता है, और बहुत सा सर्विस होता है इस तरह का जो सड़कों पर बेचते हैं फेरी लगा के, वो सामान यहाँ पर चूज करना आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इनमें से कोई आप काम नहीं करते, कोई अदर ही काम करते, तो यहाँ पर अदर्स चूज कर लीजिए और अपने हिसाब से जो काम करते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद में पैलेस ऑफ वेंडिंग, तो आपका जो जिस जगह आप सामान बेचते हैं पेड़ लगा कर या किसी फिक्स जगह पर लोकेशन पे आप बेचते हैं, तो यहाँ पर फिक्स लोकेशन चूज कर लीजिए। अगर आप फिक्स जगह पर नहीं होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर चूज कर लीजिए, और यहाँ पर आपको कितने आप सालों से कितने महीनों से आप काम कर रहे हैं वो चूज कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद डन चूज कर लेते हैं। उसके बाद में लोकेशन एरिया वेंडिंग, तो आप किस एरिया में ये सामान बेचते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना होगा तो मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ कुछ भी। उसके बाद में यहाँ पर नियरेस्ट लैंडमार्क, तो आपके जिस एरिया में आप बेचते हैं उसका जो फेमस जगह है वो यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना है जिस स्टेट के आसपास आप बैठते हो, यानी जिस स्टेट में जिस एरिया में बैठते हो तो स्टेट वो एरिया किस स्टेट में आता है तो वो चूज कर लीजिए। वो फिर वो डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए किस डिस्ट्रिक्ट में वो आता है। उसके बाद में यहाँ पर ULP यानी उर्बन लोकल बॉडी नगर पालिका चूज कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर विलेज डाल दीजिए, उसके आप पिन कोड डाल सकते हैं या फिर से विलेज पिन कोड को खाली छोड़ सकते हैं, उन्हें लगे पाने का चूज कर लीजिए। उसके बाद एवरेज मंथली सेल्स, आप कितना सेल करते थे मंथली, आपका इनकम कितना हो जाता है, तो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आधार लिंक बैंक अकाउंट, जिस बैंक खाते में आपको पैसा चाहिए से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का, वो यहाँ पर अकाउंट नंबर दे देना है। वो अकाउंट में आपका आधार कार्ड नंबर लिंक भी होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ब्रांच नेम को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ IFSC कोड। उसके बाद अकाउंट नंबर डाल देना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डिजिटल पेमेंट, अगर आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू कोई पैसा लेन देन करते हैं तो आपको 1200 रुपये का कैशबैक भी मिल सकता है। पूरे साल में आपको 1200 रुपये का यानी बेनिफिट मिलेगा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो किसी भी कस्टमर से, तो इसके लिए आप यस कर लीजिए, आपको 1200 का फायदा हो जाएगा। और यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर, तो यहाँ पर इसमें क्या डालना है इसके लिए आपको इस यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या डाल सकते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर में आपको फोन पे, भारत पे, FTCash या इसमें से जो भी चलाते हैं उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए, और उसका जो UPI नंबर होता है वो नाम यहाँ पर डाल दीजिए, और ड्यूरेबल क्यूआर कोड के लिए यहाँ पर यस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद में प्रीवियस लोन, अगर पहले से लोन ले रखा है तो उसका यहाँ पर विवरण डाल दीजिए, ठीक है, नहीं ले रखा है खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद लोन अमाउंट, तो यहाँ पर आपको कितना क्या लोन लेना है, जैसे कि आप कितना क्या लोन लेना है, जैसे मैं डाल यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ 1,00,000 करता हूँ तो क्या बताता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 रुपये से आप 10,000 तक का लोन ले सकते हो, ठीक है, तो आपको 10,000 ही करना है, तो मैंने 10,000 कर दिया तो यानी ले लिया। तो आप ये किस्त नियमित आप चुका भी देंगे तो आपको 7% आपको ब्याज पर छूट मिलेगी, साथ ही आपको 400 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोकल रेफरेंस, यहाँ पर आपको जो भी जानकार है, जो भी जानता है आपको अच्छी तरह से उनका उनका नेम दे देना है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, यानी दो कैंडिडेट का ऐसा नाम डालना है जो आपको जानता है अच्छी तरह से गवाह के तौर पर, ठीक है। उसके बाद में अवेलेबल यहाँ पर जो भी स्कीम, बहुत सारी स्कीम दी गई यहाँ पर देखिए लिस्ट में, और पहले से आपने किसी स्कीम के तहत अपने फॉर्म भर रखा या फिर आपने योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो योजना यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि ऐसी योजना को सेलेक्ट कर लीजिए। तो किसी योजना में नहीं ले रखा है तो इस पर टिक मत कीजिए। उसके बाद में जो सेव बटन दिखाई दे रहा होगा आपके सामने, यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर लीजिए, पहले डाटा सेव कर दीजिए, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन में बताया जा रहा है कि सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट पैलेस विजिबल टू आर लैंडर्स इन योर नियर
एरिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो 10,000 रुपये मिलेंगे लोन के तौर पे, वो पैसा आप किसके थ्रू लेना चाहते हो, एक तो बैंक के थ्रू या फिर आप लैंडर ऑफिसर के थ्रू। तो जैसे कि आप लैंडर ऑफिसर के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए पहले वाले ऑप्शन पर। अगर आप किसी बैंक से लेना चाहते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है उस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में आपको ब्रांच का नेम यहाँ पर डाल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में एग्री आई एग्री टू द पीएम स्वनिधि योजना है उस पर टिक कर देना है। उसके बाद में सेव डाटा पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों उस पर टिक कर देना है दोस्तों आपको। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो आपके सामने ये पैन जो एप्लीकेशन है पीएम स्वनिधि योजना का वो एप्लीकेशन सबमिट बता देगा। उसके नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद में डन बटन पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है दोस्तों। उसके बाद जो संबंधित अधिकारी हैं वो आपसे संपर्क करेंगे और फिर आपका लोन पास करके आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में आपके डाल देंगे दोस्तों। फिर अपना जो व्यापार है जो आप धंधा करते हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आपके मन में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।